हेलो माय यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है पढ़ाई? तो बुक के जो सॉल्यूशंस हैं वो तो मैंने एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किया, लेकिन अब बारी है ग्रामर की। तो मैंने पहले ही बताया कि ग्रामर का टॉपिक थोड़ा टफ होता है, लेकिन ग्रामर का टॉपिक करना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जामिनेशन में जो है वो ग्रामर भी आती है ना। तो एग्जामिनेशन में ग्रामर इस टाइप की नहीं आती, सिक्स सेवंथ एट्थ में सिंपल ग्रामर आती है और नाइन्थ और टेंथ में इंटीग्रेटेड ग्रामर आती है। ओके, तो जो इंटीग्रेटेड ग्रामर आती है उसका थोड़ा सा नियम कानून अलग है और बाकी, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे टॉपिक हमें आने चाहिए और जो छोटी क्लासेस की है वो डायरेक्ट कई बार आ जाती है और ऑब्जेक्टिव टाइप आती है। तो आज का जो टॉपिक है बेटा थोड़ा सा टफ है और वीडियो थोड़ी लंबी भी होगी, और वीडियो को आप शुरू से बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। ओके, यू आर मोस्ट वेलकम इन नया थॉट्स इन इंग्लिश एंड माई सेल्फ रेनू। और आज हम करने जा रहे हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक। आज मैं इस टॉपिक को जो है नाइन टेंथ के उसमें भी कन्वर्ट करूंगी, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज का ही ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट के ऊपर हम जो है वो डिस्कस करेंगे। नाउ द टॉपिक इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। होती क्या है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट स्पीच होती है कि जो भी हम वो रिपीट करते हैं जो कि एग्जैक्टली हमें कहा गया है ना, जो कि एग्जैक्टली हमें कहा गया है। जैसे कि मुझे कहा गया कि मैं अपना काम करूं, है ना, और अगर यही सेंटेंस कोई और बोलेगा तो वो ये कहेगा उसने कहा कि उसे उसका काम करने दो। फर्क है कि नहीं है, है ना, फर्क है ना। तो एक जहां पर मैं कहती हूं उसने मुझसे कहा कि मैं अपना काम करती हूं, ठीक है, तो ये हुई डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि हमने उसके वर्ड्स को एज इट इज जो है वो बताया है। और अगर हम इसको किसी और को अगर हम बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं जिसने अपने बारे में सेंटेंस कहा है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी, ठीक है। तो यहां पर मैं इसकी डेफिनेशन नहीं समझती कि इसकी डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत है। देयर इज नो नीड टू राइट द डेफिनेशन राइट नाउ, आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूं, देखिए यहां पर ना, यहां देखिए एग्जाम्पल, शी सेड टू मी I do my work, okay? ये सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस है, यहां मैं सेंटेंस की जरा पार्ट बता दूं आपको। ये एक तो चीज है और एक ये है, एक ये है और एक ये पूरा ये है, ठीक है, एक ये है, ओके okay? तो यहां पर ये जो है सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, ये है रिपोर्टिंग वर्ब और ये पूरी है आपकी रिपोर्टेड स्पीच। ये इसके पार्ट्स हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब जब भी मैं बात करूंगी ना, मैं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की बात करूंगी तो मैं बात करूंगी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की और बात करूंगी मैं, और जब मैं पर्सन प्रोनाउन की बात करूंगी, जब मैं टेंस की बात करूंगी तो मैं रिपोर्टिंग वर्ब की बात करूंगी, और जब भी मैं जो टेंस की और पर्सन दोनों की बात करूंगी तो मैं रिपोर्टेड स्पीच की बात करूंगी, ओके ना। ये अब यहां पर अगर मैं इसको चेंज करूं तो ये ऐसे बनेगा, शी टोल्ड मी कनेक्टर। भाई एक सेंटेंस ये है एक ये है, तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर वर्ड आता है दैट। तो जरूरी नहीं कि हर एक में आप दैट ही लगाएं, है ना। सिंपल सेंटेंसेस अफर्मेटिव में दैट आ गया, इंटरोगेटिव में इफ या वेदर आ जाता है, डब्ल्यूएच फैमिली में कोई भी कनेक्टर लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुकी हूँ डब्ल्यूएच फैमिली इटसेल्फ अ कनेक्टर। डब्ल्यूएच फैमिली खुद एक कनेक्टर, बहुत कनेक्टर है, आठ होते हैं डब्ल्यूएच फैमिली में, खुद एक कनेक्टर है। तो यहां पर मैंने दैट लगाया है क्यों? क्योंकि सेंटेंस में फुल स्टॉप है, सीधी सीधी सी बात हम करते हैं, सेंटेंस में फुल स्टॉप है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग कनेक्टर कनेक्टिव वर्ड दैट। ओके नाउ अब मैंने इसको जोड़ना है, ये जो आई है ना, अब इसको मैंने यहां पर मैं इसको सीधा डायरेक्ट चेंज कर रही हूं और फिर आपको बताऊंगी कि ये क्यों, क्या, कैसे चेंज आया। तो यहां पर ये आ जाएगा दैट शी डिड हर वर्क। अब देखिए एक ही सेंटेंस में कितने चेंज आ गए, एक ही सेंटेंस में एक चेंज ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। हाउ मेनी चेंजेस आर देयर इन अ सिंगल सेंटेंस? देयर आर फाइव चेंजेस, पांच चेंजेस आए, इन चेंजेस के रूल होते हैं, ठीक है, और वही रूल आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये
किस तरह से बनते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है ना, ये बहुत सारी होती हैं। देखिए यहां पर से और सेज, से टू और सेज टू, ठीक है, ये तो हो गई प्रेजेंट की रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, अब यहां पे हम आ जाते हैं सैड और सैड टू, ये हो गई पास्ट की। ठीक है, ये हो गई हमारी पास्ट की हो गई, लीजिए ये। उसके बाद में विल, से, फिर शेल, से, फिर विल, से टू, उसके बाद शेल, से टू। ठीक है, ये सारी आ गई हमारे पास फ्यूचर की रिपोर्टिंग वर्ब। आई एम टेलिंग यू नॉट रिपोर्टेड स्पीच, ये होती है सारे टाइप की रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, फिर इसके बाद स्टेप बाय स्टेप, आई एम गोइंग ओनली स्टेप बाय स्टेप, मैं बिल्कुल भी यहां कहीं पर भी स्वे नहीं करूंगी, कहीं पर भी इधर उधर नहीं ना भटकूंगी, ना आपको भटकने दूंगी। ओके, नाउ अब यहां पर जो भी बिना टू के हैं, एक तो ये है बिना टू का कोई चेंज नहीं, सेज बिना टू का इसमें कोई चेंज नहीं, से टू जिसके साथ भी टू लगा होगा वो चेंज होगा। ओके, नाउ से टू हो जाएगा हमारे पास टेल, क्योंकि ये प्रेजेंट है, फिर सेज टू हो जाएगा टेल्स में चेंज। ओके, नाउ सेड में कोई चेंज नहीं, और सेड हमारा चेंज हो जाएगा टोल्ड में, क्योंकि टेल का पास्ट टेंस टोल्ड। नाउ विल से में कोई चेंज नहीं, शेल से में कोई चेंज नहीं, विल से टू में विल टेल, और इसमें शेल टेल। ओके, ये चेंजेस आएंगे। तो चेंजेस किसके साथ आएगा? चेंजेस आएगा जहां पर टू लगा होगा, अदरवाइज वो रिपोर्टिंग वर्ब नहीं चेंज होगी। देखिए मैं ये नहीं कहती कि से ही आती है, आस्क भी आती है और भी बहुत सारे रिक्वेस्ट भी आती है, तो बहुत सारी जो है रिपोर्टिंग वर्ब, कोई भी जिसमें हमें बोलना या कहने की बात होती है वो रिपोर्टिंग वर्ब आ सकती है। तो मैंने सिंपली आपको जो जनरली आती है वो मैंने आपको यहां पर बता दी है। ओके, तो ये जो है वो आप इसको पूरा एज इट इज देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं आप इसे, और स्टेप बाय स्टेप इसको समझ भी सकते हैं। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम ना, यू कैन कमेंट मी, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट आइए देखिए, ये सारी रिपोर्टिंग वर्ब आ गई, नेक्स्ट आइए देखिए, मैं इस सेंटेंस को रब कर रही हूं, देखिए यहां आ जाइए हम, नेक्स्ट आ जाते हैं हम। मैंने आपको बताया कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर की होती है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज होती है, हमने देखिए सेंटेंस में दोबारा लिख देती हूं, शी सेड टू मी आई डू माई वर्क। ओके, तो यहां पर ये सेंटेंस आ गया, शी टोल्ड, देखिए सेड टू आई चेंज कर दिया मैंने, पहला रूल आपको आ गया सामने, That she did her work. Okay? ये हो गया, मैंने सॉल्व कर दिया इसे। This is direct and this is indirect. तो ठीक है, ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है। ओके, अब यहां पर ये तो बात आपको समझ में आ गई कि यहां टोल्ड क्यों आया। ओके, तो यहां ये बात समझ में नहीं आई कि ये चीज आई को ये कैसे आ गया, है ना। यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, S O N 1 2 3, sun 1 2 3, ठीक है, ये है sun, ये है subject, ये है object, और ये no change, इसमें कोई change नहीं, ये है फर्स्ट पर्सन, ये सेकेंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन। अभी पर्सन क्या चीज होती है भाई, ये वाला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, इस वाले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूं, ये रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूं, और लेकिन ये क्या चीज है 1 2 3, दीज आर द प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन, तो यहां पर हमारे पास प्रोनाउन होते हैं, आई, माई, मी, दिस इज, वी, अवर, अस, ये हमारे हैं फर्स्ट पर्सन। ये जो ये बात कर रही हूं ना मैं, ये बिल्कुल ठीक, ये फर्स्ट पर्सन, इनकी बात कर रही हूं मैं। ठीक है, नाउ सेकेंड पर्सन, यू, योर एंड यू,
ये आ गया आपके पास में सेकेंड पर्सन, मैं इसकी बात कर रही हूं यहाँ पे ये, ठीक है। अब मैं आ जाती हूं थर्ड, ही हिज हिम शी हर हर इट इट्स इट, और उसके बाद में दे दियर देम, ठीक है। ये सारे के सारे थर्ड पर्सन है, मैं इनकी बात कर रही हूं। जब भी ये सारे के सारे सेट आएगा ना, थर्ड पर्सन का सेट आएगा बेटा, जब भी ये सारे के सारे पर्सन आएंगे, ही हिज हिम शी हर हर इट इट इट्स दे दियर देम, इसमें कोई चेंज नहीं होता। चेंज किन में आता है? सिर्फ इनमें आता है और इनमें आता है, ठीक है। तो आ जाइए, अब मैं बताती हूं आपको कि हमने क्या चेंज किया। देखिए, जब भी हमारे पास दो बातें होती हैं, एक तो होता है टेंस और एक होता है पर्सन, ठीक है। अगर टेंस प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है, हमारे पास टेंस, तीन टेंसेस की हम बात करते हैं। इनके टाइप को बीच बीच में मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगी, इनके टाइप जो होते हैं उनको कैसे चेंज करना, इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर टेंस प्रेजेंट है तो उसमें पर्सन चेंज होगा, टेंस नहीं, ओके। अभी ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, तो मैं अभी आपको इसको समझाऊंगी ये क्या है, थोड़ा सा इसको डिजेस्ट कर लीजिए। और अगर टेंस पास्ट है तो टेंस भी चेंज होगा, पर्सन भी चेंज होगा, है ना। और अगर टेंस फ्यूचर है तो टेंस चेंज नहीं होगा, पर्सन चेंज होगा। मतलब पर्सन ये हर हालत में चेंज होंगे, है ना, हर हालत में चेंज होंगे। देखिए अब यहां क्या किया है हमने, जब हम टेंस की बात करते हैं तो हम टेंस पे जाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब पे। जैसे मैं कहूं ना कि इसका टेंस बताइए, क्योंकि जब तक हम टेंस नहीं बताएंगे तब तक मैं कैसे कहूंगी कि इसका ये टेंस पास्ट है या प्रेजेंट है या फ्यूचर है। अगर प्रेजेंट है तो इसके अंदर टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा, पास्ट है तो होगा और फ्यूचर है तो नहीं होगा, ठीक है। तो हम सिर्फ अभी बात करेंगे प्रेजेंट की और फ्यूचर की, ठीक है। हम प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करेंगे जिसके अंदर पर्सन चेंज करने, क्योंकि पर्सन तो पास्ट में भी चेंज करना है, तो आपको सिर्फ पहले पर्सन आप चेंज करना सीख लीजिए कि पर्सन कैसे चेंज करते हैं। आई एम रबिंग द सेंटेंस, मैं सेंटेंस को रब कर रही हूं, मैं इसकी जगह एक प्रेजेंट का सेंटेंस लिख रही हूं। देखिए, शी सेज, जस्ट अ मिनट, आई एम चेंजिंग द पेन राइट नाउ, शी, यस नाउ, शी सेज टू मी, शी सेज टू मी, आई हैव डन माई वर्क, ओके। अब इसको हमने इनडायरेक्ट में करना है, दिस इज डायरेक्ट, ये डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट में करना है। जब भी बेटा इनडायरेक्ट में हमने करना होता है तो सबसे पहले टेंस देखिए इसमें कौन सा टेंस है सेंटेंस में। तो हमने टेंस देखने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब पर जाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट टेंस है ना ये। तो यहां पर मैंने आपको बताया शी सेज टू किसमें चेंज हो जाएगा, टेल्स में, ठीक है, क्योंकि सेज टू लगा हुआ है। मैंने बताया था आपको कि जहां पर टू लगा हुआ होगा वहीं पर चेंज आएगा, और अगर ये सेज होता तो ये अकेला लिखा जाता, ठीक है, ये सेज का सेज रहता। नाउ शी टेल्स मी, अब देखिए सब्जेक्ट ये रहा, ऑब्जेक्ट ये रहा, है ना, है ना। अब इस फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, ये सब्जेक्ट है ये रहा, और ये ऑब्जेक्ट है ये रहा, ठीक है। अब इसके नीचे है 1 2 3, है ना, तो सब्जेक्ट जो है वो चेंज होगा फर्स्ट पर्सन में। अब यहां सबसे पहले जो ये दैट लगाइए, क्योंकि ये एक सिंपल सेंटेंस है ना, सिंपल सेंटेंस में कनेक्टर क्या आता है, कनेक्टिव वर्ड आता है दैट, यहां दैट लगा दिया। अब ये रहा पर्सन आपके पास और ये रहा पर्सन, है ना। हमें इसके अंदर रिपोर्टेड स्पीच में, क्योंकि यहां प्रेजेंट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज नहीं करना। ये देखिए यहां पर हमें टेंस चेंज नहीं करना, प्रेजेंट में टेंस चेंज नहीं करना, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच ये रही कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर, कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर जो होती है वो रिपोर्टेड स्पीच होती है, ओके। नाउ नेक्स्ट हम आ जाते हैं, शी टेल्स मी दैट। अब ये रहा पर्सन, ये कौन सा पर्सन है, यहां देखिए कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन।
फर्स्ट पर्सन यहां देखिए, फर्स्ट पर्सन किस में जाएगा? सब्जेक्ट में। तो फर्स्ट पर्सन जो है आई जो है चेंज होगा सब्जेक्ट में, शी में। तो यहां पर आई देखिए, ये आई ये रहा फर्स्ट पर्सन और ये शी में चेंज हो रहा है, तो शी इसी के नीचे आ रहा है ना, तो यहां हमने लिख देना है शी। ठीक है, ठीक है। अब शी के साथ आ गया हैव, टेंस हमें चेंज नहीं करना, तो यहां पर आ जाएगा हैज। भाई अगर मैं टेंस चेंज करती तो यहां हैड हो जाता, तो यहां आ जाएगा सिर्फ हैज। क्यों हैज आया भाई, इसको थोड़ी कॉपी करूंगी, ये तो आई के अकॉर्डिंग लगा हुआ है, मुझे तो शी के अकॉर्डिंग लेना है ना, तो शी के अकॉर्डिंग सिंगुलर हैज आया, टेंस चेंज नहीं किया मैंने। नाउ शी हैज डन। ओके, अब देखिए माई कौन सा पर्सन है, माई पर्सन है फर्स्ट। ये देखिए फर्स्ट पर्सन दोबारा जाएगा किसमें, सब्जेक्ट में। यहां देखिए ये जो फर्स्ट पर्सन है ये जाएगा माई किसमें जाएगा, आपका जो माई है वो किसमें जा रहा है, शी में जा रहा है। अब यहां सोचने की बात है, ठीक है, ये देखिए आपका ये जो माई है ना वो जा रहा है शी में, तो माई के नीचे शी की लाइन में देखिए क्या आ रहा है, हर। तो यहां आ जाएगा शी हैज डन हर वर्क। छोटा सा थोड़ा सा क्लियर हुआ, थोड़ा सा क्लियर हुआ। ओके, क्योंकि थोड़ा इतना ज्यादा टफ नहीं है, आई एम गोइंग टोटली मैथमेटिकली स्टेप बाय स्टेप आई एम गोइंग। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं वेवर्ड हो रही हूँ कि इधर चल रही हूँ उधर चल रही हूँ, कभी ये बता रही हूँ कभी, नो नो, हमने यहाँ पर आई एम राइटिंग वन मोर सेंटेंस। मैं एक और सेंटेंस आपको लिखकर दे रही हूँ। यस, नाउ देखिए वन मोर सेंटेंस, देखिए इन सबको ऐसे ही रख रही हूं मैं। ओके, नाउ देखिए, He says to her, I am going to the market. I am going to the market. Okay, यहां पे आइए देखिए। Now he ऐसे ही, ये है subject, object कहां है बेटा, her। Reporting verb का subject है he और इसी का ऑब्जेक्ट है हर। ये रही पूरी रिपोर्टेड स्पीच। ओके, नाउ ही टेल्स हर, ठीक है, दैट। क्यों दैट कनेक्टर लगाया, बिकॉज सेंटेंस इज फुल स्टॉप, सेंटेंस वो क्वेश्चन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप में दैट ही आएगा कनेक्टर। नाउ दैट आ गया, अब आइए पर्सन, आई कौन सा पर्सन है, आई है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसमें चेंज होता है, सब्जेक्ट में। ऑलवेज फर्स्ट, हमें इसको रूल को लिखा है मैंने, लेकिन रूल में फर्स्ट पर्सन ऑलवेज सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट। दो बातें आपको ये अपने यहां पर रख लीजिए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन जो होते हैं इनमें कोई चेंज नहीं होता, एज इट इज लिखे जाते हैं। ठीक है, नाउ ये हो जाएगा ही टेल्स हर दैट, कनेक्टर लगा दिया आई। फर्स्ट पर्सन किसमें जाएगा, सब्जेक्ट में, आई जाएगा ही में, तो यहां पर आई ये रहा और ही बिल्कुल ठीक उसके नीचे है, तो हमने लगा दिया ही के साथ एम तो नहीं लगाएंगे हम, हमने इसमें टेंस नहीं चेंज करना। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, इसमें टेंस नहीं चेंज करेंगे हम। ही एम नहीं लगाएंगे, इज, देखिए टेंस तो प्रेजेंट ही रहा ना, है ना, तो ही इज गोइंग टू द मार्केट। ओके, ये फुल स्टॉप, इज इट ओके, ठीक है। अब नाउ मैं एक आई एम टेकिंग वन मोर सेंटेंस, एक और सेंटेंस में ले रही हूं जो कि फ्यूचर टेंस का होगा। नाउ देखिए आई एम टेकिंग वन मोर सेंटेंस, देखिए जस्ट अ मिनट, यस, ही विल से टू मी, they do not work hard. Okay, ये देखिए inverted comma, ठीक है। Now he will say to change हो जाएगा tell में, he will tell me, connector that लगेगा, full stop है sentence। Now they कौन सा person है, list में देखिए they, ये रहा third person, है ना, थर्ड पर्सन है, तो ये ऐसे ही रहेगा दे, और यहां पे इसके ये डू नॉट वर्क हार्ड। ओके, अब आप कहेंगे ये पर्सन क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि दे थर्ड पर्सन है और यहां पे टेंस बिल्कुल सेम वही रहेगा, टेंस प्रेजेंट ही रहेगा, टेंस को हमने चेंज कुछ नहीं करना है, सिर्फ जब भी टेंस प्रेजेंट होगा या फ्यूचर होगा
तो उसमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ पर्सन चेंज होंगे. इज इट सो? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू द पास्ट टेंस. अब मैं जा रही हूं पास्ट टेंस के अंदर, जिसके अंदर सेंटेंस के अंदर पर्सन और टेंस दोनों चेंज होते हैं. नाउ यस, यस नाउ शी शी सैड टू मी आई डू नॉट गो आउट. ओके, तो यहां पर आ गया है, अब आपके सामने सैड आ गया है. अभी तक तो से आ रहा था, सेज आ रहा था, विल से आ रहा था, तो उसके अंदर टेंस चेंज नहीं करते इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर. अब मैं आपको टेंस चेंज करके बताऊंगी रिपोर्टेड स्पीच में. जब टेंस की बात आती है तो बेटा थोड़े रूल्स हैं. हम रूल्स कौन कौन से हैं? प्रेजेंट, इनडेफिनेट चेंज होता है पास्ट इनडेफिनेट में. ओके, प्रेजेंट इनडेफिनेट चेंज होता है पास्ट इनडेफिनेट में, इसमें चेंज होता है. ठीक है, तो हमारे पास प्रेजेंट इनडेफिनेट की पहचान वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस, डू नॉट और डिड नॉट अगर आ जाते हैं तो ये चेंज होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, और डिड नॉट में आता है. ठीक है, ये अगर आ जाते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनेट की पहचान है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस आ जाए, किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में, है ना. अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस आ जाए, और नेक्स्ट आ जाए डू नॉट आ जाए, डू नॉट आ जाए, सॉरी यहां डज आना चाहिए यहां पे, और अगर डज नॉट आ जाए तो ये किसमें चेंज होना है? अगर डज नॉट आ जाए तो ये सारे के सारे चेंज होने हैं जस्ट. ओके, तो ये चेंज होने हैं हमारे किसमें? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस आ जाए तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, और अगर ये डू या डज नॉट आ जाए तो यहां पर ये हो जाएगा डिड नॉट बी चेंज. तो यहां पर देखिए सेंटेंस के अंदर सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, तो ये हो जाएगा शी टोल्ड मी कनेक्टर दैट. चाहे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, फुल स्टॉप है सेंटेंस में, तो वी विल यूज कनेक्टिव वर्ड दैट. हमने दैट कनेक्टिव वर्ड यूज करना है. अब ये आ गया पर्सन, तो पर्सन ये कौन सा आ गया? आई. कौन सा है? फर्स्ट पर्सन जाएगा सब्जेक्ट में, तो यहां पर एज इट इज शी. ये डू नॉट का किस में जाएगा? डिड नॉट. शी डिड नॉट गो आउट. ओके, नाउ आई एम राइटिंग वन मोर सेंटेंस. ही सैड टू मी माई फादर वेंट टू My father went to America. Okay? ये sentence. My father goes to America. Okay? तो यहां पर sentence में क्या हो जाएगा? Comma inverted comma ले लेते हैं यहां पे हम. यहां हो जाएगा he told me connector that. My father यहां कौन है? He है ना, तो he जो है वो थर्ड पर्सन होता है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. तो ये my father का my father. ठीक है, अब यहां पर goes क्या है? verb की फर्स्ट फॉर्म में s और es है, किसमें चेंज होगा? verb की सेकेंड फॉर्म में. ये हो जाएगा went, और यहां ये as it is to America. क्लियर? क्लियर? Now, again I am taking one more sentence. ये past का मैं past indefinite का एक और sentence ले रही हूं, इसको रब कर रही हूं, क्योंकि थोड़ी पहचान तो बेटा आप लोगों को पता ही होगी ना, है ना. Now, I said to my mother, she eats toffees. Okay, ये देखिए
सेंटेंस। नाउ ये हो जाएगा यहां पर आई टोल्ड माई मदर, ओके कनेक्टर दैट शी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, नो चेंज शी। अब यहां पर ईट के साथ एस और यस लगा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ये किसमें चला जाएगा, चेंज हो जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है ये, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट किसमें चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट में, तो ये हो जाएगा एट टॉफीज। ओके नाउ अब एक सेंटेंस नेगेटिव का ले रही हूं, शी सेड टू मी यू डू नॉट कॉपी अदर्स, ओके ये सेंटेंस है, यू डू नॉट कॉपी अदर्स। नाउ इसको चेंज कैसे करेंगे, शी टोल्ड मी कनेक्टर दैट, यू कौन सा पर्सन है बेटा, यू है सेकेंड पर्सन, ठीक है, तो सेकेंड पर्सन हमने ऑब्जेक्ट में चेंज करना होता है, यू जो है वो सेकेंड पर्सन है, और अब ये नई कहानी आ गई, यू वो सेकेंड पर्सन है, ये जाएगा ऑब्जेक्ट में। तो देखिए पहले यू की पूरी लाइन लिख लो, यू योर यू, ठीक है, और आई की पूरी लाइन लिखो, आई माई मी, तो यू किस में जा रहा है, यू जा रहा है मी में, तो इस यू के नीचे देखिए क्या आ रहा है, आई है ना, ये छोटी सी कहानी है ना, तो मैंने वो जो पर्सन थे ना वो उनमें से यहाँ छोटी सी कहानी यहाँ पे लिख दी है ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा दैट, तो यू जो है वो सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन जाएगा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट है मी, तो यू वहां यू की लाइन लिख लो, आई माई मी की लाइन लिख लो, तो ये यू जो है जा रहा है मी में, तो इसके नीचे यू के नीचे देखिए मी की लाइन में आई, तो ये आ जाएगा आई, तो फिर उसके बाद में ये डू नॉट किस में चेंज हो जाएगा, डिड नॉट, दिस इज कॉपी अदर्स, क्लियर, ओके क्लियर हो गया। तो वीडियो जो है वो कोई बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए मैंने आपको सिर्फ दो सेंटेंसेस यहाँ पे सिर्फ क्लियर किए हैं, और वो दो सेंटेंसेस कौन कौन से हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। तो चेंज करने का जो पर्सन को चेंज करने का तरीका वो यही है, हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस लेंगे और इंपरेटिव सेंटेंसेस हम लेंगे, किस टाइप से इंटरोगेटिव को जो सेंटेंसेस को जो है वो हम चेंज करते हैं और कैसे वो उसमें चेंज आता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डब्ल्यूएच फैमिली और इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव दोनों को हम डिस्कस करेंगे, इंपरेटिव को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इस काम को करेंगे। तो बेटा दिस इज माई न्यू चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, लाइक का बटन दबा दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लेकिन प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जल्दी ही लेकर के आऊंगी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।